हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विदाउट वीज़ा। मैं हूँ यासर और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं जा रहा हूँ आगरा। मैं आगरा क्यों जा रहा हूँ ये तो खैर मैं आगरा जाके ही बताऊँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो है अपनी ट्रेन की टिकट बुक की हुई है और ट्रेन की टिकट जो है कल मैंने तत्काल बुक की थी और तत्काल भी वो अभी वेट लिस्ट में आ रही है। तो मैं स्टेशन जा रहा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ जाके देखता हूँ, अगर सीट मिलती है तो ठीक मैं ट्रेन से जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं बस से आगरा जाऊंगा। तो चलिए अब जो है हम रेलवे स्टेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि भाई नसीब साथ देता है या नहीं, सीट मिलती है या नहीं, या फिर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। रेलवे स्टेशन तो आ गए हैं, प्लेटफॉर्म की ओर भाग रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमारा प्लेटफॉर्म, टीसी तो मिला नहीं भाई, ट्रेन में बैठ गए, देखते हैं क्या होगा। सो दोस्तों फाइनली सीटों की अदला बदली करते हुए हम पहुंच गए हैं आगरा कैंट। भाई मैं आपको क्या बताऊं, असल में मेरे साथ हुआ क्या था कि मेरा टिकट कंफर्म तो था नहीं, तो जिस सीट पर मैं बैठा था वहाँ एक घंटे तक तो मैं बैठा रहा, कोई नहीं आया। लेकिन एक घंटे बाद हुआ ये कि जिस अंकल की वो सीट थी वो अंकल वहाँ आ गए और फिर मुझे वो अपनी सीट छोड़नी पड़ी। फिर बीच में जो एक टेबल होता है जिस पर मतलब खाना खाने के नहीं होता, बीच में होता है ताज एक्सप्रेस में, तो उस पर बैठ कर मैंने आधा सफ़र किया। उसके बाद मैंने जो अपना मथुरा जंक्शन आया वहाँ पर सीट्स खाली हुई, तो भाई वहाँ पर मैं जाकर फिर से सीट पर बैठा और ट्रेन थी हमारी 2 घंटे लेट, हम 2 घंटे लेट पहुँचे हैं। चलिए अब जल्दी से बाहर चलते हैं और बाहर देखते हैं। देखिए मैं अपना पर्सनल ऑटो नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि शेयरिंग ऑटो से मैं ताजमहल पहुँचूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं यहाँ ताजमहल क्यों आया हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो ये है हमारा आगरा कैंट स्टेशन और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये मोस्टली ताजमहल वाली ही है। मतलब मेरे साथ लगभग जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे थे ना, वो ऑलमोस्ट सभी के सभी ताजमहल जा रहे हैं। चलिए अब हम भी बाहर चलते हैं जल्दी से और ऑटो देखते हैं। ये रहा हमारा शेयरिंग ऑटो, 20 रुपये सवारी है। चलिए अब चलते हैं ताजमहल की ओर। आगरा में देखा सुनी ब्रांड चल रही है नंबर 1 पे, पंछी और प्राची। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जो अभी हूँ ताजमहल के गेट के बाहर खड़ा हूँ। ताजमहल का गेट जो है वो उस साइड है और एक उस साइड से, देखते हैं एंट्री किस साइड से। लेकिन पहले हम करेंगे पेट पूजा, उसके बाद काम कोई दूजा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, ये जो आगरा भंडार है आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको, तो मैं यहाँ से पूरी हमेशा खाता हूँ। यहाँ की पनीर पूरी अच्छी होती है, पता करता हूँ कि इनके पास पनीर पूरी है या नहीं। अंकल पनीर पूरी है कि नहीं है? ओ तेरी, कौन सी है, सिंपल है? क्या रुपए प्लेट है? क्या रुपए प्लेट है अंकल? क्या रुपए प्लेट है? 60 रुपए की। कितनी है, कितनी है उसमें? सादा पूरी 6, दाल पूरी 4। तो दोस्तों जैसे ही हम ताजमहल के पहले गेट में एंट्री करते हैं हमें ये गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है। अगर आप इस पर बैठ के जाना चाहते हैं तो ये 20 रुपये सवारी लेते हैं, इसके अलावा आप पैदल भी जा सकते हैं, ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो मैं पैदल ही जाऊँगा भाई। मैं एक बजट ट्रिप पर, वैसे 20 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, खर्च कर सकता हूँ, लेकिन मैं घूमने आया हूँ तो अपना पूरा दिन इन्जॉय करूँगा। चलिए अब ताजमहल की ओर चलते हैं जल्दी से। तो
दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ ताजमहल के अंदर, और मैं जो आज ताजमहल आया हूँ वो एक खास वजह से आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है बादशाह शाहजहाँ का जो 368वां उर्स यानी जो उनकी पुण्यतिथि है वो मनाई जा रही है। इस अवसर पर यहाँ का जो टिकट है वो 3 दिन के लिए 17, 18, 19 फरवरी तक के लिए फ्री किया गया है। इसके अलावा जो मेन अट्रैक्शन है वो ये है कि यहाँ पर, जिसके लिए मैं भी आया हूँ, कि जो शाहजहाँ और मुमताज़ की जो असली कब्रें हैं वो खोली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, वो 3 दिन के लिए खोली जाएंगी। वैसे आज 18 फरवरी है, एक दिन तो पहले ही निकल चुका है, कल 19 फरवरी है, तो ये वीडियो तो खैर आपको कल तक ही मिलेगी। शायद आप यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप मेरी वीडियो में जो इनकी असली कब्रें हैं वो देख सकते हैं। लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में वो कब्रें नहीं दिखाऊँगा, वाली कब्रें जो है मैं अपनी दूसरी वीडियो में दिखाऊँगा। इसमें तो सिर्फ मैं ये कवर कर रहा हूँ कि मैं आगरा कैसे आया, क्या क्या किया, वही सब इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो अगर आपको उनकी असली कपड़े देखनी है तो मेरी दूसरी वाली वीडियो जाकर देखनी पड़ेगी। इसके डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उसका लिंक डाल दूंगा। चलिए आइए अब जल्दी से थोड़ा जो है यहाँ का जो ताजमहल है उसको एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, मैं एक बात और आपको बता रहा था कि यहाँ का जो टिकट है वैसे तो 3 दिन के लिए फ्री है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ का जो टिकट फ्री है वो 2 बजे के बाद है, और मैं यहाँ पहुँचा था 12:30 बजे। अब यहाँ 1.5-2 घंटे बाहर खड़े होने का तो खैर कोई तुक नहीं था, तो मैंने जो 50 रुपये का एंट्री टिकट होता है वो लिया और उससे एंट्री कर ली है। तो अब जो मेन मॉन्यूमेंट है, जो मेन कब्रें हैं, वो 2 बजे खुलेंगी, तो अभी लगभग 1 घंटा है, तो 1 घंटे बाद वो फ्री ही हो जाएगा। वैसे वहाँ का जो मेन मॉन्यूमेंट का टिकट है वो 200 रुपये का है। तो चलिए, जैसा कि अब मैं कह रहा था कि अब मैं थोड़ा सा जो ताजमहल है उसको एक्सप्लोर करूँगा, अभी वेट करता हूँ उनकी असली कब्रें खुदने का, और तब तक मैं अपनी दूसरी वीडियो का जो इंटर वगैरह है वो शूट कर लेता हूँ। पास से कितना ज़बरदस्त लगता है ये, खैर आपको वीडियो में क्या पता चल रहा होगा, लेकिन जब पास इसके खड़े होते हैं ना एक अलग ही वाइब्स आती है भाई। तो वहाँ से रास्ता है, चलें आगे की ओर। ताजमहल जाने के लिए पब्लिक, कितना जुल्म हो रखा है यहाँ। फाइनली पसीना छूट गए यहाँ तक आने में, बहुत भीड़ है, बहुत पब्लिक है। चलो तो दोस्तों वहाँ भीड़ देख रहा हूँ ना, वही असली कब्र। अभी वहाँ तक जाना है भाई, अंदर कवाली चल रही है, चलते हैं, अभी बहुत लंबा राउंड है। लाइन एक करिए, लाइन जेंट्स अपनी लाइन में रहिए, उधर वाली में लेडीज को आने दीजिए। भाई कहते हैं ना फटके चार हो जाना, वो हो गई है, बड़ी मेहनत लगी है, वीडियो बना ली है, दम निकल चुका है, बस अब कहीं बैठना है, थोड़ा बहुत जो बचा है मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पहले मुझे थोड़ा सांस लेने दो भाई। बैठ गए हम यहाँ पर थोड़ी देर शांति से, जो ऊपर वाली कब्र है ना फेक कब्र वो नहीं दिखा रहे, बस ओरिजिनल देखने को मिल रही है आज के दिन। कहते हैं नसीब वाले जो ये देख ले, भैया मैं देख चुका हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने पहले बचपन में देखी ये कब्र, मैं बचपन में एक बार आया था तब खुली हुई थी, और अब ये स्पेशली मैं इसी के लिए आया था। तो जिस मेन वीडियो के नहीं आया था भाई वो काम हो चुका है, हालत लेकिन बहुत टाइट हो चुकी है, अब बस थोड़ा सा हिस्सा शूट करना है उस वीडियो का, वो शूट करके मैं जाऊँगा बाहर, खाना खाऊंगा फिर घर की बस पकड़ूंगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज 3 वीडियो शूट करूंगा, यहाँ पे आगरा में एक चौपाटी भी खुली है, आगरा चौपाटी करके वहाँ पे भी जाऊंगा, लेकिन भाई साहब यहाँ वहाँ तक पहुँचने में जो है ना इतनी मेहनत लग गई कि अब दम नहीं बचा वहाँ जाने के लिए, अब बस अपना मैं यहाँ वो शूट करके बाहर जाऊँगा, खाना खाऊँगा, बस मैं बैठूँगा, थोड़ा बहुत जो पेटा वेटा घर के नहीं लेना है वो लेके घर का रास्ता। दोस्तों मैं आया तो इस साइड से था, लेकिन जाऊँगा इस साइड से क्योंकि मार्केट जो है वो इसी तरफ है, और जो हमें खाना खाना है, जहाँ से मैं हर बार खाना खाता हूँ वहीं पर जाऊँगा, वहीं पर खाना खाऊँगा। ये मस्जिद है, और मेरे ख्याल से खैर लोग वज़ू कर रहे हैं नमाज के लिए, अभी मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं ऊपर जाऊँ, फिर कभी जाऊँगा, या चलते हैं यार, आए हैं तो आज चलते ही ऊपर,
और मस्जिद भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये कैसी है फतेहपुरी मस्जिद आगरा की। ताजमहल की फेमस मार्केट, इस जगह को बोलते हैं ताजगंज आई थिंक, ये वेस्टर्न गेट की मार्केट भी बोला जाता है इसे। अभी मैंने यहाँ पीछे पेठे का रेट पता करे तो भाई बहुत महंगा बता रहे थे, 300 रुपये किलो, मतलब 500 रुपये किलो मिलता है, 300 रुपये किलो। चलो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो यह है गुप्ता जी भोजनालय रेस्टोरेंट, जहाँ से मैं हर बार खाना खाता हूँ। वैसे अभी मुझे जो है भूख नहीं लग रही है, तो मैं इसलिए अभी यहाँ से कुछ नहीं खा रहा हूँ, आगे से कुछ हल्का फुल्का खाऊंगा। लेकिन जब भी मैं आगे आता हूँ यहाँ से खाता हूँ, इनका खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो दोस्तों, गुप्ता जी जो भोजनालय है जो मैंने आपको बताया था, उसके बराबर में ही है भैया की शॉप, और भैया से लिया हमने पेटा। भैया ने भाई सही सही रेट लगा लिया है, एक मुझे फ्री दे रहे हैं। तो अगर आप भी आते हैं तो वहाँ उस साइड को छोड़ के इस साइड आए, आपको सही रेट में पेटा मिल जाएगा। ये इनकी एकदम बराबर में दुकान है। दुकान का नाम कुछ है आपके? ये आपका है, बाहर लगा हुआ वर्ल्ड फेमस लिखा हुआ है, बस वर्ल्ड फेमस भाई, वर्ल्ड फेमस ही आजीशान भाई। चलिए अब हम जल्दी से पेटा लेके घर की ओर निकलते हैं। भाई साहब ये पकड़ लिया मैंने बालूगंज से बस, भैया मांग रहे थे 400, मैंने दिए 300, ये रही मेरी सीट। अब निकलते हैं हम घर की ओर। वापसी में मिला है हमें यहाँ पे 20 मिनट का स्टॉप। वैसे मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, अब सोचा हूँ कुछ खा लूँ। वैसे तो भूख अभी भी नहीं लग रही है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ खा ही लेता हूँ। फिर यहाँ से हम सीधा जाएंगे सरायकाले का, सरायकाले कहाँ से जाएंगे घर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है खाने के लिए, और खाते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने लिए हैं यहाँ पर 50 रुपये की चाउमीन, क्योंकि हैवी मुझे कुछ खाना नहीं है, घर जाके खाना खाएंगे। तो अभी बस मैं यही खाऊँगा, फिर हम चलते हैं अपनी बस से वापस दिल्ली की ओर। दिल्ली हम पहुंच चुके हैं, दिल्ली ये रही हमारी बस। वैसे सरायकाले खां जाएंगे हम, वो थोड़ा दूर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अपनी जो वीडियो का एंड है वो यहीं पे कर दूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सामान है तो मैं ऑटो करके सीधा जाऊँगा, वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा आगरा का वन डे ट्रिप है उसमें लगभग कितना खर्चा आया। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया, बस मात्र 600-700 रुपये का ही टोटल आया होगा, क्योंकि मैंने वहाँ ज़्यादा कुछ खाया पिया तो नहीं है। हाँ, शॉपिंग में खर्चा हुआ है तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। खैर चलिए, आपको अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर देना। चलिए आपसे मिलते हैं फिर किसी दूसरी जगह किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहें मेरे साथ।